हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सूरन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हमारे बिहार में ओल कह के बुलाते हैं। और गांव में जो ओल मिलता है ना, वो सब्ज़ी मैंने आज तक कभी नहीं खाई है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है, आप में से कौन कौन जानता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुंबई में जो ओल सूरन मिलता है, वो मैं बिंदास लेके आती हूँ और बेफिक्र होकर बनाती हूँ और खाती भी हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसकी सब्ज़ी एकदम नॉनवेज चिकन मटन को भी फेल कर देती है, अगर आप इसको इस तरीके से मसालेदार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे तो। तो चलिए फिर, इस तरीके से आपको सबसे पहले उसे छील के कट कर लेना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद एक पतीले में आपको पानी डालना है, आधा चम्मच नमक और हल्दी डाल के पानी में ओल को, सूरन को बॉयल कर लेना है। तो बॉयल हमें यहाँ पर जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए ही करना है। और उसके बाद जब तक वो बॉयल हो रहा है, हम यहाँ मसाले देख लेते हैं। तो मसाले के लिए आपको अदरक, लहसुन, हरी मिर्च 3 से 4 और 1 चम्मच कसूरी मेथी लेना है। और उसके बाद उसमें हम सूखे मसाले भी इसी में साथ में हम ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए एक चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और 1/4 काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करना है, उससे कलर अच्छा आएगा। और इन सभी को हमें पीस के रख लेना है साइड में। मसाले हमारे रेडी हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि सूरन कितना पक गया है। तो आपको इसे जस्ट 50-60% ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि गलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, और ये बहुत जल्दी पकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको बॉयल आने पे 3 से 4 मिनट से ज़्यादा गैस पे इसको नहीं रखना है और तुरंत पानी से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने आयरन की कढ़ाई चढ़ाई है और मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद ओल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हल्का ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लीजिए, अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। ये सब्ज़ी आप अच्छे से बनाएंगे ना, तो बच्चे भी ना आलू समझ के खा ही लेते हैं। मेरे बच्चे तो इसे आलू समझ के ही खा लेते हैं, इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद ये देखिए, उसी कढ़ाई में ऑयल बच गया है थोड़ा सा, उसी में हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। और हम इसमें सबसे पहले डालेंगे तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ता डाल दीजिए, जीरा और राई का तड़का लगाएंगे। हल्का सा क्रैकल होते ही हमें इसमें बारीक कटे हुए लच्छेदार प्याज इसमें ऐड कर देने हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं आपको। और यहाँ पे इसे हल्का सा भून लेना है, हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से भून लीजिए। और उसके बाद हमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, सॉरी टमाटर भी डाल देने हैं बारीक कट करके। और टमाटर डालने के बाद हम यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे जो मिक्सर में मसाले तैयार करके रखे हैं ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी मसालों को अच्छे से डाल दीजिए और मिक्सर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इस तरीके से आपको इसमें ऐड कर देना है। और मसालों को अब यहाँ पे ना आपको एकदम लो फ्लेम पे आराम से 6 से 7 मिनट लगेगा, आपको लगने दीजिए ऑयल सेपरेट होने तक, खुशबू आने तक। मसालों को अच्छे से आपको भून लेना है ढक के, ठीक है। और ये देखिए, मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, कलर आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो गया है। और मसालों के भूनते ही ना यहाँ पे हमें इसमें सूरन ऐड कर देना है, जो फ्राई किया हुआ सूरन था वो ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मसालों के साथ हमें इसमें आमचूर पाउडर ज़रूर से यूज़ करना है। अगर आप इसमें खटाई डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देने के बाद इसे मिक्स कर देना है। और अब हमें इसे यहाँ पे ज़्यादा भूनना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सूरन की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी यूज़ किया था। आप अपने हिसाब से पानी, ग्रेवी आपको कैसी रखनी है वैसी रख सकते हैं। और पानी ऐड किया है, इसके लिए हम इसे यहाँ पे सूरन को थोड़ा सा और पका लेंगे। 7 से 8 मिनट मैंने यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे रखा था बॉईल होने के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर, टेक्सचर। हे गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। और भी कुछ अगर है तो वो भी आप ज़रूर से बताइए मुझे, कि मुझे क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, कि क्या करना चाहिए। ज़रूर से अपने सजेशंस दीजिए मुझे। और ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी है। अब लास्ट में वही हमारा स्टार इंग्रेडिएंट जो कि हमें यूज़ करना है, वो है धनिया पत्ता। हरा धनिया पत्ता फ्रेश इसमें ऐड कर दीजिए।